स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, आज हम बहुत ही बढ़िया मीम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये तो टिकटॉक की वीडियो है, टिकटॉक की यूजर आईडी लिखी है। पुरानी यादें ताजा हो गई, अच्छी यादें भी थी, थोड़ी बुरी ज्यादा थी, पर ठीक। मैंने सोचा उसने गाल खींच के लंबा कर दिया इतना, बाप रे। ये नाक में क्या कुछ, नाक में ऊपर मेकअप होता था, अंदर क्या कुछ चढ़ लिया इसने। इसको कहते हैं आंखें खुलना दोस्तों। यार ये लोग पता है गंदा, मतलब मेकअप निकालते वक्त सिर्फ निकाल दो, ये मुंह के ऊपर और ये निशान कर दिए उसने, पता है ये तो चीटिंग है। और भाई साहब इन लोगों के साथ किसी की शादी वादी हो जाए, उसके बाद वो पहले दुल्हन देख रहा हो कि वाह क्या दुल्हन है मेरी, किससे शादी हो गई है, कितना खुश नसीब हूं मैं, और घर जाके जैसे मेकअप उतरा योगा देख लियो। यार ये टेप लगा रही है गालों में, गाल में से टेप निकल रहा है उनके। इतनी तो धूल मिट्टी लग जाएगी मुंह के ऊपर, फिर वही साफ कर लेना सीधा, फिर मेकअप क्या करना है। गजब बेइज्जती है। भाई ये तो गलत इस्तेमाल हो रहा मेकअप का, काले मार्कर से नाक बड़ी कर रही है, वो नाक के छेद बड़ी कर रही है। ये वो भाई कॉन्फिडेंस वाला सीन तो चला गया कि अपने आप में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब ही यही है कि जैसे आप हो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये उंगली करके तो फिर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब। Nobody's gonna know. भाई मुझे इससे उम्मीद नहीं है ज्यादा अच्छे रिजल्ट की। How would they know? सुमर लग रही भाई, मैं सही बता रहा हूँ। Nobody's gonna know, ऐसा लग रहा है कि दो एयरपोर्ट जैसे करके चिपके हुए नाक से। How would they know? पर उसने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया इस साइड, वरना वो सच में पूरा का पूरा बड़ा गोला सा दिखता। एकदम से पता है एक वो पड़ता है उसमें क्या कहते हैं कट दिखता है, क्योंकि वहां वो पानी से धुला देते हैं मुंह को। उसकी टपली। भाई ऐसे तो फेविक्विक निकलता था, मैं अपने हाथ पे चिपका के ऐसे चमड़ी निकाल देता था फेविक्विक की। इन लोगों को दर्द नहीं होता क्या यार, इतना भी सुंदरता के पीछे नहीं पड़ना चाहिए इंसान को कि दर्द ही दिखना बंद हो जाए अपना। अरे बाप रे, पूरा मुंह लाल पड़ गया उसका। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, कि अगर अपने मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुंह पे अगर एक प्लास्टिक का वो ला के उसके ऊपर ही बनाना है अपना नकली मुंह, तो फिर कैसा भी मुंह रहे क्या फर्क पड़ता है। पर मुंह जैसा भी रहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा मोस्ट बेट वेबसाइट, जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त काफी महीनों से खेल रहे हैं और काफी अच्छे खासे पैसे जीत रहे हैं, और जहाँ भी हमने आज तक खेला है ना उन सब में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। और इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे बार बार खेल कर सिर्फ मजा ही नहीं आता, साथ में आप ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाएं अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और प्रोमो कोड RAJAT777 डालें एंड पाए 150% बोनस आपके अकाउंट में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, रजिस्टर एंड विन। तो मैं अभी खेलने वाला हूँ एवियट्रिक्स गेम, मैं यहाँ बेट प्लेस करके गुड ऑड्स का वेट करूंगा। वाओ गाइस, इनटू 3.5 एंड मैंने 1800 रुपए जीत गया हूँ। अरे वाह क्या मस्त दिन है। तो अब आपको पता लग ही गया है कि कैसे आप एक मिनट में इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मोस्ट बेट वेबसाइट की लिंक और प्रोमो कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में है, अभी रजिस्टर करके पाएं 150% बोनस ऑन योर अकाउंट एंड विन। एंड जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, मेक अ मिनिमम डिपॉजिट एंड ट्राई योर लक लाइक मी, गुड लक। गलत लोगों के सामने मुंह की बात कर दी मैंने, इनने तो मेरे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। कितने होंठ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। भाई कुछ लड़कियां तो एक ही मुंह से बहुत ज्यादा बोल लेती है, 5-5 मुंह दे दिए क्या पता दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई ये जिन लोगों के घर में रहते होंगे अगर रात में बैठ के ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बंदा उठ के आ गया देख ले हार्ट अटैक से मर जाए कि ये क्या है। अरे बाप रे, पर टैलेंट तो है भाई, कितना इल्यूजन सा हो रहा है, वो सच में रियल लग रहे हैं। भयंकर, बड़ी टैलेंटेड हो गई है दुनिया, मैं ही एक ढेंगा रह गया। Just behind the tree.
समझ ही नहीं आ रहा कौन सी असली आंख है कौन सी नकली। मेरा तो उसकी असली आंख पे नजर भी नहीं जा रही, असली नकली पे ही जा रही है। मतलब धोखा हो गया। अरे वो धोखा क्या हो गया, वो फोटो में ही समझ आ रहा है कि मेकअप किया हुआ, तुम्हारी आंखें कमजोर है। ये तो सच में बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फिर आ गई वो टेप निकालने वाली। यार ये उसका मुंह बड़ा हो गया, इतना थोड़ी ना था, खरगोश जैसे दांत भी नहीं थे बेचारी के। ये लोग तो दो लड़कियां यूज कर रहे हैं, और ये जो लड़कियां जिनको बुरा दिखाया जा रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं दुनिया में। जैसी भी शक्ल है अच्छी है, इतना ज्यादा ढोंगढटूरा करने की जरूरत नहीं है। टेप वेप लगाने पड़ रहा है मुंह के ऊपर, मुंह नहीं हुआ साइंस प्रोजेक्ट हो गया। और जो ज्यादा जोर से रगड़ देती तो खून ही आ जाता हाथ में, और देख लेती कि अंदर से सबका खून लाल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता चेहरा कैसा है। वाह वाह क्या लाइन बोली है, वाह वाह। कमेंट में सब वाह वाह लिख देना, सावधान है। अरे ये तो वो अपनी तो निकलती भी नहीं, वहां खा लो दोस्तों। सामने देख के भी नहीं हंसती वो। इसका क्या करने वाले। उसके सर में जो मांग में थोड़ा सा एरिया दिख रहा है स्किन का, उसको देखो और उसके पूरे मुंह को देखो। ये मेकअप नहीं है भाई, ये स्कैम है, स्कैम। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना, कभी भी अगर आप क्या लड़की देखने जाओ तो मेकअप ज्यादा लगाया कि नहीं ये पता लगेगा, उसके मांग को ऐसे करके देख लेना कि हाँ मिल रहा है ठीक, नहीं है मेकअप, बढ़िया बढ़िया। वैसे जितनी मेहनत से बाल जमे वो बाल छूने भी नहीं देगी। और अगर आपने डर के मारे मना करके आ गए तो जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा, यार अच्छी खासी लड़की मिल रही थी, क्या मतलब है उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी उससे मिल रही थी। कितना सारा नाक में घुसेड़ा हुआ था भाई। भाई इंडिया में हम लोग पता है सबसे पहले दांत देखते हैं, तुम्हारा मुंह कितने अच्छा, तुम्हारे दांत पीले हैं। मेरे दोस्त लोगों में कोई भाई बढ़िया ब्रश करते सब एक नंबर, वरना अगर किसी के दांत पीले दिख जाए ना, है तेरे दांत पीले ब्रश नहीं करता क्या भाई, बहुत गंदी बेइज्जती लगती मुझे तो कोई अगर बोल दे कि दांत पीले, मैं कभी नहीं सुन सकता ना नक को बिल्कुल नहीं। खुश कितनी है वो, ऐसी खुश रहना चाहिए कि जैसे भी हम दिखते खुश हैं। अरे कितनी गोल मोलू बच्ची है ये, क्यूट सी। हर दो चार मेकअप लगा के पीछे से उसकी मम्मी देख रही है। अरे यार ये मत करो यार बिचारी के साथ, इतनी क्यूट सी बच्ची थी उसको टुन टुन मौसी से मिला दिया। Go home after dating. ये लड़के कब से मुंह पे आटा चिपकाने लग गए, थोड़ी बहुत चीजें तो रहने दो डिफरेंशिएट, कि ये लड़कियों की ये लड़कों की नहीं, सब चाहिए हमें। पता लगा अंदर से बुढ़ा आदमी निकला, उसकी नाक पे भी वो चिप। लो लड़कियों बहुत नाक नाक करती हो कि इसकी पतली नाक ये पसंद है मुझे, उसने पतली नाक करी है चीटिंग से, टेप से चिपकी उसकी नाक अंदर। ये लोग हंसते उन लोगों के ऊपर है जो शक्ल देख के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं ना, कि लो शक्ल देख के बनाया था पोपट हो गया। रियल ट्रांसफॉर्मेशन 2017-18-19। ये तो बहुत ज्यादा लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया भाई। लड़कों को वो जोक भी समझ आ गया होगा कि घुंघरू क्यों टूट गए, घुंघरू टूट गए। भाई ये जो वीडियो है ये बहुत बढ़िया वीडियो है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो पहले लाइक कर दो, फिर हम ये वीडियो साथ में बैठ के देखते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ ये जो लड़की है, लड़के मतलब ये जो लड़के हैं ना, ये ना जाने कितने लड़कों की नसें कटवा सकते, तुम सोचो इतनी अच्छी कुछ कुछ लड़कियां भी नहीं लगती हैं, ये अलग ही लेवल पे सुंदर है। और मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि इसको लड़का बनना था लड़की बनना था, जो भी है ना ये बहुत टैलेंटेड बन गया है ये। तुम देखो कि
अगर एक इंसान आपको इस हद तक धोखा दे सकता है कि वो लड़का नहीं है वो लड़की है, तो गजब का टैलेंट है भाई। मैं तो पहले जब मैंने देखी थी इसकी वीडियो, मैंने इसकी फोटो देखी थी, मैं सोचा था यार ये लड़की कौन है, फिर आईडी में गया मैंने, ठीक है इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, अदाएं भी है भाई उसमें, अदाएं भी है, ऐसे ऐसे करता है वो भाई साहब, खतरनाक। इसलिए कहते हैं दोस्तों पैसों से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए। उसके दीवार पे पुट्टी तक नहीं है पर उसके दिल में जज्बा है, और हमारे दिल में भी होना चाहिए वीडियो को लाइक करने का, फेवरेट पार्ट कमेंट करने का, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।